हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मात्रक एवं मापन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको मात्रक एवं मापन चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो है वो अवेलेबल करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरह से इस चैप्टर के जो PDF नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स एंड PDF मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अगर आप उन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो ये चैप्टर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। और इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगा, इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेडियन तथा स्टे रेडियन को परिभाषित कीजिए। आपको पता होगा कि 7 मूल राशियाँ होती है और उनके मात्रक होते हैं। इसके साथ ही 2 पूरक राशियाँ होती है, समतल्य कोण और दूसरी होती है घन कोण। तो समतल्य कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन। तो रेडियन और स्टे रेडियन, इन दोनों को आपको परिभाषा इनकी याद करनी है कि इनकी क्या डेफिनेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1 AU ये किसके इक्वल होता है। AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही 1 LY यानी कि लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, 1 पारसेक किसके बराबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैप्टर के PDF नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंबन विधि द्वारा किसी ग्रह का कोणीय व्यास ज्ञात करना। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला। कोई भी मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूले के अंदर कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्थक अंक। सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नंबर का क्वेश्चन आपके जरूर इससे आएगा। इसके 6 से 7 नियम है, वो सारे नियम अच्छे से याद कर लीजिए तो आपका सार्थक अंक जो टॉपिक है वो आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, भौतिक राशि की विमाएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने एग्जाम के अंदर भौतिक राशि की जो विमाएं होती है वो जरूर पूछी जाएगी। अब बात आती है, सर इतने सारी भौतिक राशि है, किन किन भौतिक राशियों की विमाएं याद करें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो मूल राशियाँ होती है वो जो मूल राशियाँ हैं उनकी विमाएं आपको याद होनी चाहिए। और विमा कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ मूल राशियों की विमाएं याद होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके एग्जाम में जो भी राशि आएगी इसका आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका जो विमीय सूत्र या फिर जो विमा है वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी भौतिक राशियाँ उन सभी के आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप उस भौतिक राशि की विमा लिख पाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, विमीय समांगता का सिद्धांत लिखिए। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विमीय समांगता का सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विमीय समीकरणों के उपयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब तक तो जो बात की मैंने वो सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन किए। अगर एग्जामिनर चाहे कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देना चाहे इसमें से बड़ा वाला थोड़ा सा, तो वो दे सकता है आपको विमीय समीकरणों के उपयोग। इसमें 3 उपयोग है। सबसे पहला है, किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, जैसे कि 1 न्यूटन। अब इसको क्या करो, आप किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करो, यानी कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है आपको पता होगा, 10^5 D इसके इक्वल होता है। तो ये कैसे परिवर्तित करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल करा रखा है, जिसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। इसके बाद सेकंड है, किसी भौतिक राशि के सूत्र या फिर समीकरण की सत्यता की आपको जांच करना आना चाहिए। कि जैसे कि बल, क्या है बल, बल इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m1 l1 t-2। तो इसकी आपको जांच करनी है कि ये सही है या फिर सही नहीं है, ये भी आपको आना चाहिए और इस पर भी एक अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। तीसरा है, किसी भौतिक राशियों में संबंध अथवा सूत्र स्थापित करना, ये भी आपको आना चाहिए। कि आपको कुछ टर्म्स दे देंगे और आपको क्या करना होगा, अन्य भौतिक राशि के साथ संबंध या फिर सूत्र स्थापित करना होगा। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
जरूर आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और जो मैंने नोट्स अवेलेबल कराए हैं काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, उन नोट्स को एक बार अच्छे से रीडिंग लगाइएगा और इनके जो सॉल्यूशन है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप उन नोट्स को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कीजिए। सिर्फ यही नहीं कि इम्पोर्टेंट है, आपको चैप्टर पता होना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद होने चाहिए जिससे आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कट पाए। तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ दे रखी है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से चैप्टर को तैयार कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।